अगर नैब ने ये इंक्वायरी की है तो शहजाद अकबर किस हैसियत में नैब की इंक्वायरी की बातों को लेकर सामने आए हैं? अगर कोई बात है तो वो अदालत में जानी चाहिए, पहली बात, नंबर एक। नंबर दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो खानदान है जिनके 1962 में 7 कारखाने थे और उस वक्त पाकिस्तान का स्टील का सबसे बड़ा कारखाना इत्तेफाक फाउंड्री ही थी। दो, तीसरी बात यह है कि जो मामला इन्होंने, जो केस बनाए नैब ने और जमानत की मंसूखी के सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हकायक आए, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के सामने कुछ और लोगों के हवाले से जो हकायक आए, तो ये बात सामने आई कि नैब वालों ने ये मुकदमात बेबुनियाद बनाए हैं।